बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की टेलीथॉन के बाद पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग जिस तरीके से लोग उसको नाम देते हैं, फॉरेन फंडिंग तकरीबन 5 अरब से ज़्यादा मौसूल हो चुकी है। और इमरान खान साहब ने सानिया निश्तर साहबा जो कि ऑलरेडी एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम में काम कर चुकी हैं, और उस प्रोग्राम के तहत एक बहुत अच्छी सर्वे हुई थी जिसमें तमाम तर जो मजदूर तबका है, गरीब तबका है, उसको एक एनालिटिक्स किया था। उसके बाद जो भी उनके स्कोरिंग हुई थी उसके बाद उनको अहलियत के मैसेज आ गए थे। अब भी पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनको दोबारा से ऐड किया हुआ। और मैं आपको बता दूं कि पहले कुछ ना कुछ ख़ानदान रह चुके थे, लेकिन अब जो है ना पूरे पाकिस्तान की जितनी भी शहरियत है जिसमें पंजाब, सिंध, केपी के सारे एडेड हैं, और वहाँ पे आपको एक तरीक़ाकार की मदद से अहलियत का पता चलेगा। और बहुत सारे लोग जो है ना अभी से इस प्रोग्राम में हिस्सा ले भी चुके हैं, और बहुत सारे लोगों को तकरीबन 25,000 जो है ना आ भी गया है। और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस रहे हैं कि हमारे जो है ना मैसेजेस नहीं आ रहे। आपको बता दूं कि आप 8171 के ऊपर मैसेज करेंगे और उसके बाद आपको 8171 की तरफ से आपको ये एक मैसेज आएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है, और उसके बाद आपको हम मैसेज कर देंगे। अगर आप 8171 के ऊपर मैसेज नहीं करते तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं जिसकी मदद से आप अपनी रजिस्ट्रेशन का पता चलेंगे, और आपको जो है ना उसी टाइम आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपके आईडी कार्ड और आपके फ़ोन नंबर की मदद से पूरी की पूरी डिटेल उसी टाइम आपके मोबाइल की स्क्रीन पे शो हो जाएगी। और उस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा ताकि वहीं पे उस वेबसाइट के ऊपर अपना आईडी कार्ड, अपनी अहलियत के बारे में जान सकें। तो दोस्तों काफ़ी एड मिली है पाकिस्तान को, बहुत सारी कंट्रीज़ इमदाद करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो तकरीबन 60-70% जो है ना मईशत बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है ना तमाम कंट्रीज़ सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि IMF का जो हमारा कर्ज़ा था वो भी मंजूर हो चुका है, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर खुश हैं। भाई ये कर्ज़ा है, कर्ज़ा हमने पे करना है और सूद के साथ पे करना है। तो दोस्तों जितनी भी एड मिली है जो कि इमरान खान की टेलीफोन के थ्रू मिली है वो 90% हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं। दोस्तों अभी मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और किस तरीके से आप अपनी रजिस्ट्रेशन और अपनी अहलियत के बारे में जानेंगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पे आप अपना फॉर्म नंबर अगर आपके पास है तो आप फॉर्म नंबर ले देंगे, अगर आपके पास आईडी कार्ड नंबर है तो आईडी कार्ड, और अपने मोबाइल फ़ोन नंबर दे के इसको चेक करेंगे। उसके बाद आपकी अहलियत के बारे में आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको तस्वीर में दिया गया कोड जो है ना आपने यहाँ पे इंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे मालूम करें के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, और उसके बाद आपकी अहलियत जो है ना शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक और आईडी कार्ड चेक करने की कोशिश करता हूँ, पहले वाला जो आईडी कार्ड है वहाँ पे उसकी अहलियत नहीं शो हो रही थी, तो यहाँ पे मैं एक और आईडी कार्ड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसका जो तस्वीर में दिया गया कोड है उसको भी ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ मालूम करें के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आप बेनज़ीर कफालत के लिए अहम पहल नहीं है, तो यहाँ पर इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेक कर सकते हैं। और मज़ीद आप अगर जानना चाहते हैं तो वहाँ पे लिंक भी दिया गया है। और तीसरा आईडी कार्ड यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे दोबारा से जल्दी से फ़ोन नंबर ऐड करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे जो कोड है इसको भी मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए और यहाँ पर आप ईज़िली ख़ुद से भी कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके घराने की मालूमात की जाँच पड़ताल की जा रही है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।